नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। स्वर्ण व्यापारी संस्था MRSSF ने फिर किया मानव कल्याण का कार्य। वसई नालासोपारा के रेल यात्रियों के लिए लगवाया ठंडे पानी का कूलर। महाराष्ट्र राज्य समेत देश के अलग अलग हिस्सों में स्वर्ण व्यापारियों के हित में आवाज उठाने वाली सामाजिक संस्था MRSSF महाराष्ट्र राज्य स्वर्णकार सर्राफा फेडरेशन, जो कि पिछले लंबे समय से लगातार जन कल्याण के कार्य में व्यस्त है, ने एक बार फिर संस्था से जुड़े वसई व नालासोपारा स्वर्ण व्यवसायी की संस्थानिक संस्थाओं के तत्वाधान में वसई व नालासोपारा के रेलवे स्टेशन पर ठंडे पानी के कूलर लगवाए, जिसका उद्घाटन कार्यक्रम सोमवार 27 दिसंबर को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में रेलवे के आला अधिकारियों की उपस्थिति रही। वहीं MRSSF की राष्ट्रीय अध्यक्ष फतेह चंद रांका, जो कि पुणे में रहते हैं, ने विशेष तौर पर पुणे से वसई प्रवास कर संस्था के बाकी सदस्यों का मनोबल बढ़ाया। स्थानिक लेवल पर भाईंदा निवासी संस्था के उपाध्यक्ष भंवर के मेहता के साथ संस्था से जुड़े भाईंदा से लेकर वीरार तक के सदस्य भी कार्यक्रम में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। MRSSF की तरफ से पानी की वाटर सुविधा की गई है, वसई में भी की गई, नायगांव में की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट अपने MRSSF के यहाँ के सभी सदस्यों ने लिया है। एक्चुअली हर एक धर्म में देखो तो जल सेवा ये बहुत ही पुण्य की सेवा है। प्यासे को आप पानी पिलाओ और उससे आशीर्वाद लो, इससे और बड़ी सेवा कोई हो नहीं सकती है। और इन्होंने हर एक स्टेशन पर जो आज अच्छा ठंडा पानी मिलने के लिए, जल मिलने के लिए जो व्यवस्था की है, बहुत ही काबिल तारीफ के काबिले हैं। और ऐसा कार्य करने से आज मैं इतना ही कहूँगा कि अपने व्यापारियों की एक इमेज अच्छी हो जाएगी समाज में, कि सिर्फ व्यापारी व्यापार नहीं कर रहे हैं मगर सोशल काम भी कर रहे हैं, जनसेवा भी कर रहे हैं। और ऐसे अनेक कार्य आज यहाँ पर जो अपने सराफ व्यवसाय कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएँ उनको, और बहुत ही उनकी तारीफ जितने करो तारीफ करो उतनी कम। रेलवे डिपार्टमेंट का भी बड़ा सहयोग रहा, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, सब प्लेटफॉर्म पे अगर जो करना है तो रेलवे डिपार्टमेंट का सहयोग लेना ही होगा, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे आप बिना परमिशन कोई ले नहीं सकते। और इन्होंने इसमें और भी पुलिस जो ऑफिसर्स है उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया हुआ है, उनको भी हम MRSSF की तरफ के बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे भंवर भाई मेहता का एक सपना है कि विरार से चर्च के लिए मशीन लगे, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि जल सेवा इससे बड़ा पुण्य काम नहीं है। तो हर एक स्टेशन पे एक ध्यान में रखिए, सिर्फ एक जगह पे एक लगेगा नहीं, क्योंकि अनेक प्लेटफॉर्म लगे तो सिर्फ एक मशीन लगाने से नहीं चलेगा। जितने ज़्यादा डोनर आएंगे तो हर एक प्लेटफॉर्म पे एक मशीन लगनी चाहिए। ऐसे तो मैं अपने भंवर जी से मैं विनती करूँगा। अभी अभी नया एक कोरोना और आया, उसके बारे में व्यापारी के लिए क्या संदेश है? बस प्रिकॉशन लेना है, इतना ध्यान रखिए, डरने की कोई बात नहीं है। मगर जो ये नया कोरोना है, थोड़ी गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी तरह से प्रिकॉशन ले रही है, मगर हमें हमारे दुकान में विदाउट मास्क इसको आने नहीं देना। हर एक दुकान के बाहर नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड लगना चाहिए, जैसे हमने पुणे में 20,000 दुकानों में लगाया है। और सैनिटाइजेशन और टेम्परेचर मीटर की अगर आप व्यवस्था करें तो बहुत अच्छी है। सरकार ने 10,000 रुपये जो एक इस पर जुर्माना लगाने की बात की है, कल ही हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मिले और उनको कहा कि ये गलत है, कोई भी कस्टमर आए उसको खांसी आए वो निकाले और 10 आपके ऑफिसर आके 10,000 रुपये लगावे, ये गलत है। तो उन्होंने उसको रिव्यू करने को कहा है। ये आज बॉम्बे में उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी को ये करके हम ज़रूर रिव्यू करेंगे। अभी हमारा अभी विरार का एक टारगेट अभी बाकी है। अभी आज हमने हमारा टोटल जो प्रण था 6 लगाने का, 6 में से 4 हो गई है, आइंदर और विरार बाकी है, तो ये भी जल्दी से जल्दी लग जाएगी। लेकिन हमारा एक ही ये चीज़ देख के हमारे दूसरे व्यापारी भाइयों में भी ऐसी प्रेरणा जानी चाहिए कि आज जो मीरा रोड से विरार जो मशीनें लग रही है, वैसी दूसरी जगह भी काफ़ी जगह लगे, वो एक प्रेरणा जानी चाहिए लोगों में। इसके माध्यम से हम मीडिया के माध्यम से भी हम पहुँचाएँगे, प्राइवेट भी हम अपने लोगों को फ़ोन करके या कहेंगे कि भाई आज हमारा इधर उद्घाटन हुआ।
ये अच्छी चीज़ देख के, और ये कोरोना काल के अंदर जब पानी अच्छा पियेंगे पब्लिक तो कम से कम बीमार पड़ेंगी। तो इससे हम ये चाहते हैं कि आज हर तरह का सहयोग हमें मिल रहा है। ये पाँच तो लग रही है, उसके अलावा मैंने परमिशन मांगा है तो उन्होंने बोला आपको 5 का परमिशन और मिल जाएगा। कल से भी मेरी DRM साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा आप आ जाइए, मैं आपको एक दिन में परमिशन करके दे दूँगा। तो कहने का मतलब आज अपने को रेलवे से भी पूरा कॉपरेट है, और हर तरह से अपना आज सभी भाइयों व्यापारी भाइयों से भी अच्छा कॉपरेट है, और इसकी वजह से आज मीरा रोड लग गई, नायगांव लग गई, नाला सोपर लग गई और वसई लग गई। अभी विरार का टारगेट है और बाइंदर बाकी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि भी आज जो अपने व्यापारी जितना सहयोग कर रहे हैं वैसा हमें शासन प्रशासन भी सहयोग करे। आज शासन प्रशासन सहयोग इसके लिए मैं मांग रहा हूँ कि अपने कई व्यापारियों भाइयों का माल जो गया है, वो अब माल रिकवर, आरोपी पकड़ा जाता है लेकिन माल रिकवर नहीं होता है। इसके लिए कुछ मैं फतेह सिंह जी से चाहता हूँ कि भाई आपकी भी थोड़ी हमें मदद मिले, क्योंकि जब आरोपी पकड़ा जाता है तो माल क्यों नहीं, और उनका 10 ग्राम सोना भी रहता है ना, तो दूसरे दिन आके अपने 9 बजे बोलेंगे तो 9:45 को आ जाएंगे, 9:45 को आके बोलेंगे हे इकड़े सोना नहीं आला सामान, तो अरे तुरा सांगितलं गाड़ी बंद। तो कहने का मतलब उनका 1 तोला सोना जो होता है उसके लिए भी वो लोग गाड़ी में बिठाने को तैयार होते हैं, और अपना 2-2 किलो 5-5 किलो सोना जो गया हुआ है, जैसे हमारे अभी पंकज भाई हैं नकोड़ा वाले, आज हमारे ओमकार ज्वेलर्स है, इनके ऊपर तो कंप्लीट इतना मतलब वार हुआ है, और वार के बाद में भी सोना गया और आरोपी तीनों पकड़े गए, तो ये दुख की बात है हमारे लिए। तो सभी इसमें 1 साल के अंदर बहुत अच्छा कार्य हुआ है, देखा जाए तो वसई में दीपिका जैन हत्याकांड, विरार में एक मारवाड़ी फैमिली, तो हमारे से दूसरी जगह भी अपना काम कर रही है अच्छे से, तो उनके बारे में अपने राकेश साहब को आप क्या अवगत कराएंगे? हमारा एक ही काम है कि हमारे से सिर्फ जो भी काम कर रहा है अभी सबका सहयोग से कर रहा है, सभी लोग का सहयोग है और आगे भी हमको सहयोग रहेगा। हमारे राका जी तो आज 20 दिन से मैं इनको कह रहा था, लेकिन बीच में आपकी भी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, उम्र का तकाजा है तो थोड़ा तबीयत कभी ख़राब भी हो जाता है, तो 20 दिन से कहने पे आज मुझे 19 के बाद बोल दिया था कि 19 के बाद में मैं आऊँगा, तो आपने आपका वादा आज पूरा कर दिया। इसके लिए आज 2 रखा कि इनको बार बार नहीं बुलाए, आज ये मशीन का उद्घाटन करना लेकिन इनको बार बार बुलाना उम्र के तकाजे के हिसाब से इनको अच्छा नहीं लगा मुझे। अभी आगे कोई भी बड़ी मीटिंग रखेंगे या रखेंगे तो आप बुलाएंगे, लेकिन उसमें काफ़ी हमारी समस्याएं रहेगी, क्योंकि अभी मैं कम से कम अपने व्यापारियों का जो भी माल गया है अभी ये 4 महीनों में 7 किलो माल एक नाला सोपारा से भी अपना गोरेगांव से भी गया है, उसकी भी पूरी हमारी तरह से कोशिश चालू है। तो जो भी माल गया है उसकी रिकवरी कराएंगे जल्दी से जल्दी, नहीं हो तो हम 156(3) के अंतर्गत उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके FIR कराएंगे। हमारे MRSF के भवर भाई मेहता साहब और हमारे अध्यक्ष साहब राका साहब का यहाँ आने पे हमारा बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ कि हमारे नाला सफरा में इनका वजह से आज बहुत सारा सुधार भी हुआ है, और ऐसा काम करते रहे, हम आपके साथ में हैं और पूरा एसोसिएशन आपके साथ में है, और हमारे सभी व्यापारी भाइयों को कोई भी छोटी मोटी तकलीफ होती है तो आधी रात में खड़े होते हैं, तो ऐसे हमारे भामाशाह हमारे साथ में है, तो कोई व्यापारी को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि सबका साथ देके कोई भी व्यापारी भाई को तकलीफ है तो पुलिस प्रशासन भी कुछ काम करती है, मगर इनके सहयोग से थोड़ा प्रेशर पड़ता है, तो हम ये चाहते हैं कि व्यापारी भाइयों को तकलीफ नहीं हो और हमारा पूरा व्यापारी को साथ दे, यही हम चाहते हैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। MRSF के प्रावधान में जो ये वाटर कूलर मशीन जो लगी है, मैं MRSF की बहुत ही हौसला अफजाई करता हूँ कि ये जो पानी है शुद्ध पानी पे सभी का हक है, और गरीबों को जैसे काफ़ी सारे घरों में तो वाटर कूलर ये प्योरीफायर भी लगते हैं, लेकिन बहुत सारे घरों में प्योरीफायर नहीं है, लेकिन उनको अगर स्टेशन पर रेलवे स्टेशन पर अगर शुद्ध पीने का पानी मिलता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं तो सभी व्यापारी भाई से निवेदन करूँगा कि ऐसे समाज कार्य में MRSF का सहयोग करें। हमारे अध्यक्ष महोदय आज बता रहे हैं, बहुत ही हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि इतने बिजी शेड्यूल में से आपने समय निकाला। आज भले नाला सुबारा विरार से कोई व्यापारी यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन आप पूना से यहाँ बता रहे हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, और इस तरह हमें बल मिलता है कि हमारे साथ में हमारी जो संस्था है
कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, तो हमारे साथ कोई भी गलत काम नहीं हो सकता, चाहे पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, कोई गलत काम नहीं कर सकता। और हम तो व्यापारी से भी कहते हैं कि चोरी का माल बिल्कुल न खरीदें, बिगर बिल का माल न लें। हमारे व्यापारी गलती करते हैं तब ये परेशानी संस्थाओं को देखनी पड़ती है। बिगर बिल का माल कोई हाथ ही नहीं लगाए, किसी की मजाल नहीं आपकी दुकान पर आएगा। जब हम इस तरह का एक जगह काम करते हैं तो पुलिस 10 जगह जाती है। तो आप सभी व्यापारियों से भी निवेदन है कि MRSSF जो कहती है, हमारे फतेहचंद जी राका जो कहते हैं, भोर भाई जो कहते हैं, उसका पालन करो। आपको ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पुलिस तो क्या, कोई प्रशासन आपके दर्जे पर खड़ा नहीं रहेगा। अगर हम गलती करते हैं तो उसका भुगतान करना पड़ता है। और आप सभी ने आज मौका दिया मुझे 2 मिनट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।